सब्सक्राइब कीजिए स्कूप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव तक पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर लगाई रोक, नमो टीवी पर भी नहीं दिखाने का दिया आदेश। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगा दी है। बता दें, फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी और इसी दिन लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग भी होनी है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी है। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, साथ ही चुनाव आयोग ने इस बायोपिक को नमो टीवी पर भी दिखाने पर रोक लगा दी है। कल ही लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सीबीएफसी को मंगलवार को पत्र लिखकर फिल्म के प्रमाणन की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा था। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए ये रोक लगाई है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की राहत के लिए निर्वाचन आयोग उचित स्थान होगा। कोर्ट ने कहा था कि यदि यह फिल्म 11 अप्रैल को प्रदर्शित भी होती है, जैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा है, तो उसे राहत के लिए निर्वाचन आयोग के पास ही जाना होगा। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता अमन पंवार ने दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसलिए इसे विचार के योग्य नहीं समझते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म के एक्टर विवेक ओबेरॉय है और इस फिल्म को डायरेक्ट उमंग कुमार ने किया है, जिसे फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। आपको बता दें, फिल्म में मोदी के जीवन के शुरुआती दिनों से प्रधानमंत्री बनने तक की जीवन की यात्रा को दर्शाया गया है। आपकी मोदी की बायोपिक पर रोक लगाए जाने पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।